चूतिया नहाने आई है और ये पता नहीं क्या लगा रही है, क्या लगा रही है, क्या बोलते हैं? अच्छा ठीक है, चलो नहाओ जल्दी। ये देखिए ये नदी है। नमस्ते आप सबको, जय खाटू श्याम जी की, आपका स्वागत है हमारे ब्लॉग में। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं अभी उठी हूँ क्योंकि थोड़ी लेट उठी थी। तो अभी पापा का डिमांड आया है कि चिवड़ा का वो बना दो ब्रेकफास्ट, तो वही बनाने जा रही हूँ अभी मैं। मेरी आंटी हेल्प कर रही है मेरी आज, वैसे रोज़ ब्रेकफास्ट वो बना देती हैं, फिर आज मतलब रोटी और आलू की भुर्जी तो बना रखी है आंटी ने, पर अभी पापा कह रहे कि चूड़ी की भुर्जी वो जीरा वाला ब्रेकफास्ट भी बना दो करके। ये देखिए आलू की भुर्जी बन गई है और यहाँ पे गलोई, वही गलोई बॉईल हो रहा है और रोटी ऑलरेडी बन चुकी है, तो अब मैं वही चूड़ी की भुर्जी तैयार कर रही हूँ। चूड़ी ये है प्याज और अभी मूंगफली फ्राई करने जा रही हूँ। भाई ब्रेकफास्ट करके ऑफिस जाने के लिए रेडी है और यहाँ पे मम्मी लेटी हुई है। आज मम्मी का फास्ट है, निर्जल फास्ट है, मतलब पानी भी नहीं पी सकती है, जीवतिया का फास्ट है ना मम्मी? तो मेरी मम्मी एकदम थक चुकी है फास्ट रख के, बिना पानी के फास्ट रखना भाई बहुत। मैं मम्मी को ले जा रही हूँ अभी स्नान करवाने क्योंकि मम्मी ने जीवतिया का फास्ट रखा रखा है, तो ये मैंने पहन रखा आज येलो कलर की कुर्ती और ट्राउज़र, और ये मेरी मम्मी ऐसी जा रही हैं क्योंकि उनको नहाना है वहाँ पे, इसलिए। हम फाइनली उस लोकेशन पे पहुँच गए जहाँ पे मम्मी को स्नान करना था और पानी बहुत तेज़ था इसलिए मम्मी थोड़ा नीचे गई। ये देखिए मम्मी नीचे भी जा रही है और ब्रश कर रही है, तत्वन से ब्रश करते हैं। ये देखिए हम लोग इस डैम पे आए हैं, यहाँ पे नहाई मम्मी ने, जीवतिया नहाने आई है और ये पता नहीं क्या लगा रही है, क्या लगा रही है, इसे क्या बोलते हैं? अच्छा ठीक है, चलो नहाओ जल्दी। ये देखिए ये नदी है, लेकिन जब जो जीवतिया का कपड़ा पहन के नहाते हैं ना वो कपड़ा यहीं पे छोड़ देता नदी के पास, तो मेरी मम्मी ने ये कपड़ा यहीं पे छोड़ दिया। ये मेरी मम्मी ने नहाने के बाद ये वाला सूट पहना था। देखिए रास्ते पे हमें अंकल जी एक भुंटा बेचने वाले भी मिल गए, तो हम उन्हीं से भुंटा लेने जा रहे हैं। हमें खरीदना था दे दिया और हमें लगा कि खरीदना है, हम खरीदने आए थे अंकल जी से भुंटा। कोई बात नहीं है अंकल जी, बाय है, थैंक यू। ये आंटी अभी तैयार हुई है, ये भी छत पे जाएंगी। किसका पूजा करते हैं? अरियार बरियार का पूजा करना है, अरियार बरियार एक पेड़ होता है उसी की पूजा करेंगे छत पे। अभी ये मम्मी थाली से जा रही है और पहले माता रानी की आरती करके फिर उसके बाद छत पे जाएंगे वहाँ पूजा करने। ये देखिए यहाँ पे मम्मी कर रही है पूजा, अरे ये अरियार बरियारे ये एक पौधा होता है उसका पूजा करी जाती है जीवतिया पे, और साड़ी चढ़ाई जाती है नई नई, और फल फ्रूट जैसे ये मेरी मम्मी निकाल रही है फल फ्रूट। देखिए मेरी मम्मी पूजा कर रही है अभी, और गीत भी गाएंगी और कथा भी पढ़ेंगी, पाठ होता है इसका। ये देखिए मम्मी साड़ी खोल रही हैं, इसी को यहाँ पे मतलब इस पेड़ के पास जो अरियार बरियार पेड़ है उसके वहाँ चढ़ाते हैं। ये गणेश जी भी बैठे हैं यहाँ पे। हाय गणेश जी, इधर देखो, ओ गणेश जी हाय करो, हाय। लालू कमाई जीती है फुलवाड़ी, ए हरियार तका बरियार जाके कह दिया
पूजा का माइक झूठिया भूखलवाड़ी हार का हार का मत मार का ही मरा का मत हे झूठ महाराज की जय। गणेश का माई झूठिया भूखलवाड़ी परियार अर्पिता का माई झूठिया भूखलवाड़ी जीत गई है जीता कही हार के मत महाराज। आप लोग कुशल मंगल रहिए, आपके बाल बच्चे खुशी रहे, आपके बच्चे कहीं भी जाए कुशल मंगल रहे, ठीक है। ठीक है, प्यास लग रही थी फिर भी कैसे कैसे पार लगा दिए महाराज। ये देखिए आंटी यहाँ पे कथा पढ़ रही हैं और मम्मी भी सुन रही हैं। कथा का बहुत बड़ा महत्व होता है यहाँ पे कि चिउतिया का कथा पढ़ा जाता है। सखियों के पास ब्राह्मण सुन लिया। देखिए अब कथा खत्म हो गई है, अब आरती करेंगे। क्या अब खत्म कथा खत्म हो गई है, अब फास्ट कल घूमे कल तोड़ेंगे। तो आप लोगों का आज का ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद ब्लॉग देखने के लिए।